So hello, Suprabhat, good morning. My name is Rahul. I am from Everest Yoga Institute, Ludhiana. आज आपके लाइव सेशन में आपका सभी का स्वागत करता हूँ और आज आपका लाइव सेशन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिप ओपनिंग पर. सो आज हम सीखेंगे कैसे अपना जो लोअर पार्ट, हमारी जो लेग्स है, हमारा जो पेल्विक एरिया, उसको हम कैसे स्ट्रोंग कर सकते हैं. और जो आप देखते होंगे वीडियोज में कैसे लोग स्प्लिट कर लेते हैं, मिड स्प्लिट, फ्रंट स्प्लिट, आज भी हम वर्क करेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हम वार्म अप से स्टार्ट करते हैं. इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई भी स्पेसिफिक चीज पे, आप आसन पे आप वार्म अप कर रहे हैं तो स्पेसिफिक वार्म अप भी चलेगा, प्लस उससे पहले हम थोड़ी ज्वाइंट मूवमेंट्स करेंगे, क्योंकि ज्वाइंट मूवमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे हम कोई भी आसन करें उसमें हमारे ज्वाइंट में पेन ना आए और हमारी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल रिलैक्स रहे, इसलिए हम ज्वाइंट मूवमेंट्स करनी शुरू करेंगे. सो सबसे पहले हल्का हल्का यहीं से फ्रंट एंड बैक वॉक करेंगे विथ रिस्ट रोटेशन, हल्का हल्का रिस्ट रोटेशन करेंगे. और यहीं से हम हल्का हल्का नेक मूवमेंट करेंगे, बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट, एंड यहीं से रोटेशन स्टार्ट क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 लास्ट 5. यहीं से हम, ठीक है, अब यहीं से हम अपने शोल्डर की मूवमेंट करेंगे. सो 1 2 3 4 5, देन रिवर्स, 1 2 3 4 5. अब यहीं से हम अपने हिप रोटेशन करेंगे, हिप की मूवमेंट करेंगे पहले क्लॉकवाइज. तो आपने सबसे पहले क्या ध्यान रखना, अपने फीट को हमने शोल्डर लेवल जितना गैप करना है. ठीक है, अपने हैंड्स को आपने ऐसे रखना है वेस्ट पर, अपनी जो ये जो हमारी हड्डियां बाहर आती है दो, इन हड्डी पे अपने बोन्स पे अपने थंब को फिक्स करना है. यहीं से हम रोटेशन स्टार्ट करेंगे, पीछे ले जाएंगे इनहेल करते हुए, एक्सहेल, देन इनहेल बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10 बैक. अब यहीं से ही रिवर्स लेके आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स. ठीक है, हमने शोल्डर की मूवमेंट करी है, नेक की मूवमेंट करी है, बैक की और हिप की मूवमेंट करी है, अब हम यहीं से नी की मूवमेंट करेंगे. सो अपने दोनों हैंड्स को ऐसे कर्व बनाना जैसे हम कप बनाते हैं, ऐसे हमें नीज के ऊपर रखना है ऐसे. ठीक है, हल्की सी नीज बेंड करेंगे, बैक स्ट्रेट, सामने देखेंगे, पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड लास्ट 1, देन रिलैक्स, शेक करेंगे लेग्स को. और जो हम लास्ट मूवमेंट करेंगे वो करेंगे एंकल मूवमेंट, क्योंकि हमारा जो आज का सेशन है हिप ओपनिंग, उसमें एंकल की और लेग की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो हम एंकल रोटेशन भी करेंगे. सो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका अगर पास कोई वॉल है, क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा हर किसी का, ऐसे बैलेंस नहीं बन पाता, बार बार वो लेग डाउन जाएगी, तो आपने क्या करना है, वॉल का हल्का सा सपोर्ट लेना है, ऐसे साइडवेज दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपने ऐसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज, 1 सामने देखते हुए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट रिवर्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2
को शेक करेंगे, अब लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग से पहले क्लॉकवाइज अच्छे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, then reverse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and last relax. Legs को shake करेंगे. अब ये हमारे जो मूवमेंट्स थे, जॉइंट मूवमेंट्स हमने फिनिश कर चुके हैं. हम नेक की कर ली, शोल्डर, देन हिप, देन नी एंड एंकल. ठीक है, अब यहीं से हम करेंगे थोड़ा स्पेसिफिक वॉर्म की तरफ चलेंगे, जो कि आज हमारे सेशन का जो मेन है. ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे यहीं से जंपिंग जैक्स. कैसे करेंगे, जिनकी नी में प्रॉब्लम रहती है या जिनको बैक में प्रॉब्लम, जंप नहीं कर सकते, वो कैसे करेंगे पहले वो देखेंगे. राइट लेग साइड 1 सेंटर, देन लेफ्ट लेग गो साइड 2 ऐसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये उनके लिए था जिनकी नी में पेन रहता है या जंपिंग जो नहीं कर सकते, जिनकी बैक में पेन रहता है. ठीक है, वो इजी से ऐसे कर सकते हैं. ठीक है, अब वो जो कर सकते हैं उसमें उन्होंने कैसे करना है, यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 legs. ठीक है, और जंपिंग जैक्स या कोई भी हम जंपिंग या रनिंग वाला जो भी कुछ करेंगे उसके बाद हमने एकदम बॉडी को नहीं रोकना, क्योंकि हमारा जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट. सो उसको हमने पहले नॉर्मल करना है, हल्का हल्का मैट पे वॉक करते रहें, चलते रहें धीरे धीरे. ठीक है, ध्यान रखना है कि बॉडी को हमने नहीं रोकना, ब्रेथ को हमने नॉर्मल करना है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे. अब यहीं से आपने क्या करना है, सेंटर ऑफ द मैट. ठीक है, यहीं से हमने लेफ्ट लेग आगे रहेगी, राइट लेग को पीछे ले जाएंगे. राइट लेग हमारा 45 डिग्री रहेगा पीछे वाला, जो ये वाला लेग है बाहर वाला, ये 45 डिग्री हल्का से बाहर करेंगे कि बैलेंस बन सके. जो एडवांस वाले हैं वो क्या करेंगे, जो पीछे वाले लेग के एंकल को 90 डिग्री और आगे वाले हील और पीछे वाला हील एक लाइन में रहेगा, एल बनेगा जो एडवांस वाले हैं. और जो बिगिनर्स हैं वो उसको हल्का सा पीछे लेग को बाहर की तरफ निकालेंगे 45 डिग्री और पहले भी आपको सामने रहेगा. ठीक है, अब आपने यहीं से क्या करना है, 1, straight, 2, 3, पीछे वाला हील भी उठना शुरू होएगा आपका, जो पीछे वाला लेग होगा, जैसे मेरा लेफ्ट लेग पीछे है तो लेफ्ट लेग की भी हील उठेगी, 2, तभी स्ट्रेच आएगा आपका इनर थाइस पे और ग्लूट्स मसल पे. अच्छे से करेंगे एक्सेल पे, 4, 5, 6, 7, 8 एंड होल्ड करेंगे. अब यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, देन टो अंदर. अब ये वाला जो लेफ्ट लेग था इसको हम बाहर की तरफ करेंगे, हमारा जो अपर बॉडी हो लेफ्ट की तरफ फेस हो जाएगा और पीछे लेग हमारा 45 डिग्री चला जाएगा. ठीक है, अब आपने यहीं से अगेन पल्सेस करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट 8 एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. नाउ रिलैक्स, शेक करेंगे लेग्स को. और आपने ध्यान देना है कि कोई भी आप जैसे स्क्वाट्स करेंगे हम आगे, या भी हमने जो ड्रिल्स करी हैं, इसके बाद हमने एकदम कंटिन्यू नहीं करना. स्पेसिफिक वॉर्म का होता है कि मतलब होता है कि कोई भी पार्ट जो हमने, जैसे आज हमारा लोअर बॉडी पार्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, तो हमारा स्पेसिफिक वॉर्म का मतलब होता है कि उसी पार्ट पे हमने उसके रिगार्डिंग हमने वॉर्म करना. ठीक है, जनरल वॉर्म होता है जो हम रोज करते हैं. तो आज हम अगला हम जो करेंगे वह करेंगे स्क्वाट्स. सुमो स्क्वाट्स में हम बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, किसी की लोअर बैक डाउन जाती है, कोई ऐसे लगाते हैं जिनकी नीज भी आगे जाती हैं, तो आज हम उसकी परफेक्शन के साथ हम सुमो स्क्वाट्स करेंगे. और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको मैं सुमो स्क्वाट्स बताऊंगा जो आप घर पे भी कर सकते हैं. ठीक है, सो सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल स्क्वाट्स, जो हमारे नॉर्मल रहते हैं. उसमें क्या करना है, आपने अपने फीट को हिप कोडिंग गैप लेंगे, हिप कोडिंग गैप. ध्यान रहे आपकी नीज आपके टोस से आगे ना जाए, जब आप बेंड करो तो नीचे देखो कि आपको ऊपर से अपने टोस नीज से आगे दिखने चाहिए. ठीक है, ये साइड से 1, सामने बैक स्ट्रेट रहेगी, ये
जिनकी नीज में प्रॉब्लम है वो हल्का सा बेंड कर सकते हैं, ये बात। आप हैंड्स की मूवमेंट कैसे भी, ऐसे भी रख सकते हैं, फ्रंट भी रख सकते हैं, साइड भी रख सकते हैं, ऊपर भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, या अपनी थाइस को भी रख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहीं से ही मूवमेंट करेंगे। 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8 एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रिलैक्स, शेक करेंगे लेग्स को हल्का हल्का। ये था सुमो स्क्वाट का बेसिक। ठीक है, अब हम यहीं से करेंगे एडवांस। कैसे करना है, जो सुमो स्क्वाट होते हैं आपने अपने लेग्स को 4 to 5 feet का गैप लेना है, एंकल जो आपका टोज हो बाहर की तरफ साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है, और नीज आपकी बाहर की तरफ पुश लगानी है। ये अब देखो जो आपकी नीज है वो बाहर की तरफ पुश होगी, ठीक है, नीज को बाहर की तरफ पुश करना है। हैंड्स आपकी मूवमेंट यहां भी रख सकते हैं, इजी रहेगा, यहां रखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए। 1, 2 बैक स्ट्रेट, 3 विद अ ब्यूटीफुल स्माइल, 4 नीज को बाहर की तरफ पुश करना है, आपके इनर थाइस पे आएगा इफेक्ट इसका, 5, 6, 7 लास्ट 8 एंड होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8 लेग्स। अगेन शेक करेंगे लेग्स को अच्छे से। ये जो सुमो स्क्वाट है वेट लॉस वाले के लिए भी, जिनके लव एंगल में फैट रहता है या थाइस में ज्यादा फैट रहता है, उनके लिए बेस्ट है। अब इसमें सुमो स्क्वाट का जो हम सेकंड वेरिएशन करेंगे, ये तो थी बेसिक जो हम करते ही हैं। अब इसमें एक और वेरिएशन है, उसमें देखेंगे। आपने सिंपल सुमो स्क्वाट लगाना है, ये लगाया, देन कम अप राइट लेग किक, देन गो डाउन, देन कम अप, देन लेफ्ट लेग किक। ओके, इसको हम 10 times करेंगे फ्लो के साथ। कैसे करेंगे, गो डाउन अप किक, डाउन अप किक, डाउन अप किक, डाउन अप किक। सो इसको हम, आप लोग इसको हम कर सकते हो, जैसे जिसके हिप पेल्विक एरिया में ज्यादा फैट रहता है या थाइस में ज्यादा फैट रहता है, ये उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, और हिप ओपनिंग के लिए भी बेस्ट तो है ही। चलो अब यहीं से हम करेंगे फ्रंट की और साइड की। ठीक है, क्योंकि हमारे जो हम स्प्लिट करेंगे तो हमारी लेग की लेंथनिंग अच्छे से हो, इसलिए हम फ्रंट किक करेंगे। ठीक है, आप बॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, आपके पास अगर बॉल है तो बेस्ट है, नहीं तो आप किसी भी पार्टनर को या उनका हैंड पकड़ के ऐसे साइड वाइज आप इसको हम कर सकते हैं। जैसे मेरा पार्टनर बॉल है आज, तो मैं बॉल के साथ करूंगा। ठीक है, राइट लेग से स्टार्ट करेंगे हम, 8 count करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, हल्का सा राइट लेग पीछे लेके जाना है कि जिससे फ्लो बन सके। ठीक है, राइट लेग पीछे लेके टोस पे आएंगे, फ्रंट सामने देखना है, बैक स्ट्रेट, एक्सहेल करते हुए जाएंगे। स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 रिलैक्स। ठीक है, लेग चेंज, अब लेग चेंज करें लेफ्ट साइड। ठीक है, जिनकी नहीं जाती वो क्या करें, हाफ में भी ये हाफ में नीज बैंड करके भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, मेन तो इसमें स्ट्रेट करना होता है, जिनकी नीज एकदम स्ट्रेट नहीं होंगी तो जबरदस्त फोर्स नहीं लगाना आपने, हल्का सा जहां तक जा रही है वहीं तक लेके जाते। ठीक है, चलो नाउ दिस साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड से करेंगे, हैंड आपने सामने रखना है कि आपका टारगेट होगी, मैंने हैंड पे टच करना अपना टो। ठीक है, बैक स्ट्रेट, हल्का सा पैर पीछे लेके जाएंगे आगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8। ठीक है, ये थी फ्रंट की, जो हमारे हिप मसल के लिए ओपनिंग के लिए अच्छी है, इससे हमारी फ्लेक्सिबल मिलती है, थोड़ा पेन होगा बट उसके बाद आपको रिलैक्स मिलेगा। अब यही से हम करेंगे साइड की। सो आपने क्या करना है, बॉल पे 1 arm का डिस्टेंस ऐसे लेके खड़े होना है, 1 arm का डिस्टेंस लेंगे, जो बेसिक है, एडवांस वाले बिना बॉल के भी कर सकते हैं। यहीं से आपने क्या करना है, हल्का सा लेग को आगे लेके जाएंगे, 1, 2, 3,
बिगिनर्स के लिए जो बैलेंस नहीं मारा, जो बैलेंस कर सकते एडवांस, वो कैसे करेंगे? यहीं से दोनों हैंड्स को आगे रखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लास्ट 8, ठीक है? हमने राइट साइड से 8 करा, हम लेफ्ट साइड से 8 करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8, ठीक है? अब हम यहीं से हम स्प्लिट्स की तरफ जाएंगे, जो फ्रंट स्प्लिट है उसके हम कुछ स्ट्रेचिंग्स के बाद उसको हम ट्राई करेंगे, ठीक है? चलो यहीं से अब सेंटर ऑफ द मैट, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग गो बैक। अब आपने यहीं से ही दोनों हैंड्स को ड्रॉप करना है मैट पर, ठीक है? मैट को ड्रॉप करा, यहीं से ही अब आपने पल्सेस स्टार्ट करने हैं 8 काउंट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? नी ड्रॉप करा, यहीं से हमने पीछे जाना है, बैक पे हैंड रखेंगे, देन अपने बैक को आगे पुश करेंगे, लुक अप बैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8, ठीक है? यहीं से हमने क्या करना है, आगे वाले लेग को स्ट्रेट कर देना है, पीछे वाला लेग हमारा 45 डिग्री रहेगा, देन होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8, देन आएंगे सेंटर पे, लेग स्ट्रेट करेंगे एक बारी, यहीं से हमने राइट साइड करा, हम इसको ही सेम लेफ्ट साइड करेंगे, ठीक है? सो यहीं से हमने लेफ्ट लेग आगे जाएगी, राइट लेग पीछे, 4 to 5 feet का गैप लेना है, पीछे वाला लेग हमारा 45 रहेगा बैलेंस के लिए, ठीक है? यहीं से अगेन दोनों हैंड्स को ड्रॉप करेंगे, देन पल्सेस स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8, अब पीछे वाली नी को ड्रॉप करेंगे मैट पर, फीट फ्लैट, अपने दोनों हैंड्स को रखेंगे वेस्ट पर, देन हिप को करेंगे पुश आगे बैक को, एंड लुक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड लास्ट 8, अब यहीं से हम अपने नी को स्ट्रेट कर देंगे, पीछे वाला लेग हमारा 90 डिग्री इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये और जो एडवांस है वो नीचे हाथ जा सकते हैं उनका पूरा पाम, तो वो क्या करें अपने वेस्ट पे भी रख सकते हैं ऐसे, ये देन अपने फोरहेड को नी पे टच करना है, ठीक है? अब इसी में हम एडवांस की तरफ और वेरिएशन करेंगे इसी में, ठीक है? चलो यहीं से अगेन राइट लेग फ्रंट, बैक लेग 45, इस बार हमने क्या करना है, हमने दोनों लेग को हमने सेंटर में रखा था दोनों हैंड्स के, अब हम क्या करेंगे ऐसे, अब हम क्या करेंगे दोनों लेग को हम बाहर की तरफ पुश कर देंगे और दोनों हैंड आपके फ्रंट में आ जाएंगे, ठीक है? यहीं से अब हमने पल्सेस करने, 1, जो हमारा राइट लेग आगे है उसके हमने नी को बाहर की तरफ पुश करना है, हैंड भी रख सकते हैं वैसे पुश करके भी कि जिससे आपको ग्रिप बने, अब नहीं कर सकते आप एक हैंड नहीं रख सकते तो हमने दोनों हैंड उसको बाहर पुश करना है, हल्का सा आगे लेके जाके बाहर पुश, देन पल्सेस, 1, इससे आपका जो हिप मसल है वो डाउन जाएगा और ग्लूट्स मसल और आपकी जो इनर थाइब है उसकी ओपनिंग और स्ट्रेचिंग होगी अच्छे से, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 के साथ अब हमने होल्ड करना है एल्बोस पे आ जाएंगे हम, 1, 2 ये जो बाहर राइट लेग का नी है इसको बाहर ही पुश रखेंगे, 3 देन पीछे वाला लेग का नी स्ट्रेट रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8 जो नहीं पीछे जिनको नहीं नी अब कर सकते वो ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है? चलो यहीं से अब हम अपने लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को होल्ड कर लेंगे
एल्बो डाउन एंड लुक अप, नी ड्रॉप कर लेंगे पीछे वाला, फीट फ्लैट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट 8, देन कम अप अगेन, कम इन माउंटेन एंड शेक योर लेग अच्छे से अप एंड डाउन, हील्स को अप एंड डाउन करेंगे, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है अपनी लेग्स को. नाउ दिस टाइम लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग को हम साइड में लेके आएंगे ऐसे, ठीक है. अब यहीं से हमने पीछे वाला नहीं हमारा स्ट्रेट, देन पल्स स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है. अब यहीं से हम अपने एल्बोस पर आ जाएंगे एंड होल्ड करेंगे सामने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. अब यहीं से पीछे वाले नी को ड्रॉप करेंगे, फीट फ्लैट, पहले हमने अब हमने राइट हैंड से अपनी लेफ्ट एंकल को होल्ड करना है, एल्बो डाउन एंड लुक अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 legs. Now again, in, go in mountain and heels up and down करेंगे अच्छे से. अब यहीं से हम फ्रंट स्प्लिट की हम जाएंगे, फ्रंट के स्प्लिट की तरफ हम उसके पहले ड्रिल्स करेंगे, ठीक है. आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने सॉक्स वेयर कर रखी है, आप सॉक्स भी वेयर करके कर सकते हैं. अगर आपकी ग्रिप नहीं बन रही तो आप कुशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको कुशन यूज करके दिखाऊंगा कैसे आप कुशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो आपने क्या करना है, पहले एक कुशन आगे रहेगा, यहीं से आपने जो फ्रंट राइट लेग है, राइट लेग को आपने आगे लेके जाना. अब जिनकी नीज में पेन रहता है तो वो क्या करें, पीछे वाले लेग के नीचे भी कुशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको पेन नहीं होगा. पीछे वाला फीट फ्लैट रहेगा, आगे वाला आगे, ठीक है. अब आपने यहीं से ही टोज को लिफ्ट करना है, हील्स को आगे पुश करना है, देन लुक फ्रंट. अब इसमें क्या, जिनके हैंड्स नहीं नीचे लगेंगे सो हम ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं उनको. जैसे मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ब्लॉक्स हम स्टैंडिंग ये में या ऐसे भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप रख सकते हैं, एंड फीट फ्लैट, देन गो फ्रंट, 1. आपने पूरा पीछे नहीं लाना, आपने कोशिश करनी जितना आपका मैट है वहां पे आपकी हील टच हो जब आप वापसी आ रहे हैं, ठीक है. टच करके देन गो स्ट्रेट, 2 3. हर किसी की स्टार्टिंग में नी स्ट्रेट नहीं होगी, जितना हो सके उतना कंफर्ट से करना, आपने जर्क नहीं देना, 5 6 7 एंड लास्ट 8 एंड होल्ड. ये यहां होल्ड करेंगे, लुक फ्रंट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है. देन कम बैक एंड गो माउंटेन एंड शेक. Now this time, left leg go front, ठीक है. हमने राइट लेग को पीछे लाना, लेफ्ट लेग से हम करेंगे, ग्रिप सेम रहेगी, हैंड भी वही रहेंगे, ठीक है, बस लेग चेंज करनी है हमने. यहीं से अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट 8 एंड होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स. अब जो एडवांस वाले हैं, जो जिनका टच हो जाता है नीचे नहीं हो पाता, तो वो पार्टनर का भी यूज कर सकते हैं. कि पार्टनर से हम कैसे यूज कर सकते हैं, कि इसमें हम अपने जो फैमिली मेंबर, जो आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर, उनको कैसे कह सकते हैं कि हमको स्ट्रेच करो, ठीक है, जिससे कि आप कर सकते हैं. सो मैं कृतिका मैम को कहूंगा कि वो एक बार आगे फ्रंट स्प्लिट करें, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप हेल्प कर सकते हैं. हेलो, हां सर, गलती हो गई.
यहीं से आप ऐसे स्प्लिट में बैठ जाएं, यहां तक भी पैर जा रहा आपको जहां तक, फिर बाद में हम ओपन कर लें। ठीक है, हमने क्या करना है, आपने कभी भी नी ज्वाइंट पे नहीं रखना, हमेशा ध्यान रखें जो आपकी एंकल उससे हल्का सा ऊपर रखेंगे, नी ज्वाइंट पे बिल्कुल पैर नहीं रखना है आपने। अपने फोर आर्म्स को आपने ऐसे होल्ड कर लेना है, देन धीरे 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 आपने, ठीक है, फिर अपनी तरफ खींचना है। इससे आपको इनर थाइस पे बहुत स्ट्रेच आएगा। देन रिलैक्स, साइड बेंड भी करा सकते हैं, ठीक है, इससे और स्ट्रेच आएगा। देन गो दिस साइड। अब यहीं से हम फ्रंट स्प्लिट करेंगे, जैसे मैं अभी आपको करके दिखाते हैं इसमें कैसे आप हेल्प कर सकते हैं। लेफ्ट लेग गोज फ्रंट, यहीं से आप अपने पार्टनर के हैंड्स को ऊपर भी लिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, और यहां से आपने बैक पुश लगाना है ये, ठीक है, ये यहां पे जो आपका जो लेग आगे गई है उस पर आपने आगे पुश लगाना है। डन रिलैक्स। अब यहीं से फिर जो एडवांस वाले उनको आगे से ही हम फोर बेंडिंग करा सकते हैं ऐसे। देन गो डाउन जी, इसमें हम ड्रिल्स कर सकते हैं, इसमें हम ऊपर आएंगे एक बारी, यहीं से हम जो एडवांस वाले हैं कैसे, हैंड्स अप, देन साइड बेंड, ये एक बार दिस साइड, अगेन दिस साइड, यहीं से हम डायगोनल फ्रंट भी फॉरवर्ड बेंडिंग करा सकते हैं ये जो एडवांस वाले हैं। देन कम अप, गो अनदर साइड, ठीक है, यहीं से हम अगेन वापस, एंड बैकवर्ड बेंडिंग करा सकते हैं, पीछे हैंड लेके जाएंगे ऐसे भी यहां पर रखो हैंड, देन बैकवर्ड बेंडिंग, ये एडवांस वाले हम करा सकते हैं, ठीक है, बेसिक वाले को मैंने आपको बताया, अगेन रिलैक्स। सो ऐसे भी एडवांस वालों को हम और ड्रिल्स करा सकते हैं इसमें, क्योंकि एडवांस पोस्टर्स की कोई लिमिट नहीं होती, आप एक से दूसरा आप जा सकते हैं, ठीक है, थैंक यू मैम। अब हम यहीं से करेंगे साइड स्प्लिट्स, ठीक है, पहले हमने करी साइड स्प्लिट, फ्रंट स्प्लिट, अब हम करेंगे साइड स्प्लिट। तो साइड स्प्लिट्स के लिए हम सबसे पहले करेंगे, यहीं से हम करेंगे साइड लंचेस, ठीक है। सो आपने क्या करना है, 4 to 5 feet का गैप ले लेना है, और हम सबसे पहले हम ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं, जो बेसिक वाले उनके लिए बता रहा हूं मैं, आप ब्लॉक्स का यूज कर सकते हैं, ब्लॉक्स को आपने ऐसे रखना है, ठीक है, देन फोर बेंडिंग, यहीं से आपने लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करना है, देन राइट लेग बेंड, जो पूरा नहीं कर सकते वो हाफ भी कर सकते हैं, ब्लॉक्स पे हैंड रख के ऐसे हेल्प से इतना कर सकते हैं, ठीक है, राइट साइड देन लेफ्ट साइड, कोशिश करना कि जो आपका टो है, जो आप लेग स्ट्रेट करो उसका टो लिफ्ट होना चाहिए, हील्स पे आपने आना है ये, और जो आपके ब्लॉक्स रहेंगे वो सेंटर में रहेंगे, जिससे कि आपकी ग्रिप बनी रहे इक्वल ये, अच्छा स्ट्रेच आएगा आपकी पूरी हैमस्ट्रिंग्स पे, इनर थाइस पे, ग्लूट्स मसल पे, और यहीं से हम होल्ड करेंगे अब, ठीक है, होल्ड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, पाम ज्वाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 आर्म्स अप, ब्लॉक का यूज करते हुए ब्लॉक्स को हम आगे ड्रैग कर सकते हैं, एंड होल्ड जितना हो जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 यहीं से कम अप, आर्म्स डाउन। अब यहीं से आपने जो हमारा हम राइट साइड है, तो हमारा लेग राइट लेग बेंड है, हमने लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को होल्ड करना है, एंड यहीं से हम साइड करेंगे, साइड में होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 देन रिलैक्स, ठीक है, ब्लॉक्स को सेंटर में रखेंगे, देन गो लेफ्ट साइड, यहीं पे हम होल्ड करेंगे, 1, 2, 3,
4, 5, 6 आर्म्स अप, ब्लॉक का यूज करते हुए, देन आर्म्स डाउन एंड ड्रैग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 कम बैक, राइट लेग सेम, लेफ्ट लेग एंकल को होल्ड करेंगे, राइट, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 देन रिलैक्स, कम अप एंड शेक योर लेग्स। सो ये हमने ड्रिल करी है साइड स्प्लिट के लिए, ठीक है, अब और करेंगे हम। अब हम कुशन का यूज कर दिखाऊंगा कैसे आप कुशन का यूज से हम कर सकते हो, ठीक है। पहले हम राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, ब्लॉक्स को हम फ्रंट में ले आएंगे यहां, ठीक है, देन आपने क्या करना है, लेफ्ट लेग को हमने डाउन लेके जाना है, फीट फ्लैट रहे पीछे, ठीक है, यहीं से अगेन आप जैसे हमने फ्रंट स्प्लिट में यूज करता कुशन को, हम साइड स्प्लिट में भी हम ऐसे यूज करेंगे। तो ध्यान रहे जो आपका राइट हील है और जो आपकी लेफ्ट नी है वो एक लाइन में होना चाहिए, ठीक है, आगे पीछे ना करें, कोशिश करें स्टार्टिंग में जो बेसिक वाले हैं उनका आगे पीछे होगी लेग, डायंगल भी जा सकती है, और जो एडवांस वाले कोशिश करें कि बिल्कुल हमारे हिप लाइन में लेग जाए स्ट्रेट, ठीक है। सो हमने ऐसे ब्लॉक को आगे रख लेना, जो बेसिक वाले हैं वो ब्लॉक को भी ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से पीछे लेके जाना है, अगेन इतना आना है कि आपका लेग वापस ना रहे कि आपका हल्का ही बेंड रहे, ठीक है, 90 डिग्री, यहीं से गो स्ट्रेट, एक्सहेल करते हुए, देन कम बैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and last 8 and hold करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। अब यहीं से ही hands को आगे drag करेंगे जो advance वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वापिस आए, ठीक है। अब यहीं से हम जो कैमल पोज करते हैं वो भी हम इसमें करेंगे, सो दोनों हैंड्स को आगे लेके जाएंगे, लेफ्ट लेग गो बैक एंड देन होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देन रिलैक्स, ठीक है। चलो अब वापिस आएंगे, नहीं सही लेग चेंज करेंगे, एक बार माउंटेन में जाके गेम शेक करेंगे लेग को, देन दिस टाइम फ्रॉम राइट लेफ्ट साइड, ओके, अब लेफ्ट लेफ्ट लेग को हमने स्ट्रेट करना है और हमारी जो राइट लेग है वो बेंड, ठीक है, यहीं से ब्लॉक हमने सेंटर में लेंगे, टोज अप, 1, 2 जितना पुश कर सकते हो उतना पुश करेंगे अपनी बॉडी को, जितना ले जा सकते हैं, 4 एक्सहेल करते हैं, 8, 5, 6, 7 लास्ट 8 एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहीं से ही अब ब्लॉक को हम आगे लेके जाएंगे, हैंड्स को ड्रैग करेंगे ब्लॉक के साथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कम अप, ठीक है, यहीं से हम कैमल पोज, राइट, अब दिस टाइम राइट लेग, जो लेग बेंड है वही हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड अप एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड रिलैक्स। नाउ बटरफ्लाई, अब आपको इसमें बटरफ्लाई की वेरिएशंस बताऊंगा, बटरफ्लाई में भी कैसे, बटरफ्लाई में भी हम अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लेग्स को थोड़ा आगे रखेंगे, ठीक है, ऐसे लेग्स को ओपन करेंगे, देन फास्ट हम लेग को अप एंड डाउन करेंगे जितना फास्ट हम कर सकते हैं, ठीक है, बैक स्ट्रेट रहेगी, स्माइल, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। यहीं से हम ब्लॉक को नीचे रखेंगे अपने पैरों के पास और पास में लेंगे जितना पास हम ला सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से हमने हैंड को पुश कर अपने हैंड्स को अपने नी ज्वाइंट पर रखना है एंड नी को हम पुश करेंगे वन टू, प्रेशर लगाएंगे अपने हैंड से नी को नीचे पुश करने के लिए एक्सहेल करते हुए जैसे हम कपाल भाती करते हैं। Then last hold, one, two, three, four, five, six, seven, eight. ठीक है, अब हम ब्लॉक को हमने रखा है, अब यहीं से हम फोर बेंडिंग करेंगे जितना हम कर सकते हैं। हैंड्स अप, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड लास्ट टेन एंड होल्ड। यहां पर जितनी देर हम कोशिश करें 30-40 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे यहां पर, देन कम अप एंड रिलैक्स। अब ब्लॉक को हम हटा देंगे, अब हम हील अपने हील्स को अपने पेल्विक एरिया के पास लेंगे, देन फास्ट अगेन। सो जिनकी नीचे ये अपनी थाइस और काफ्स मसल बैक साइड नहीं लगता, सो वो इसका व्यू इससे एसिड ड्रिल्स करके वेरिएशंस डिफरेंट करके हम उसको हम नीचे टच करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। देन फास्ट करेंगे अब जितना फास्ट हम कर सकते हैं, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड रिलैक्स। यहीं से लेग्स को फ्रंट साइड खोल देंगे एंड शेक करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब हम यहीं से जो हमारा लास्ट पोज है फ्रोग पोज हम वो ट्राई करेंगे, ठीक है। सो आपने क्या करना है, यहीं से हम कैटल कॉ में आना है, ठीक है। कैटल कॉ में आना है, फीट में कंफर्टेबल गैप, आर्म्स स्ट्रेट रहेंगी, लुक फ्रंट। यहीं से आपने धीरे धीरे राइट लेग को साइड में पुश करना है और ड्रैग करना ऐसे, ठीक है, जितना ड्रैग कर सकते हैं। यहीं से हमने पीछे की तरफ आना है, बैक साइड हिप्स को पीछे पुश करना है, ठीक है। देन होल्ड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन लास्ट टेन। अब जिनके नीज में प्रॉब्लम रहती है वो क्या करें, नीचे कुशन भी रख सकते हैं ऐसे, राइट साइड देन लेफ्ट, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड लास्ट एट, ठीक है। सो ये थी आज हमारी, और लास्ट हमारा ध्यान रखना है कि लेग्स को हमने जरूर शेक करना है। कैसे शेक कर सकते हैं लेग्स को, हम लेग्स करने के लिए अपने लेग को लूज छोड़ना है आप लोगों ने, ठीक है, टाइट नहीं करना, लूज छोड़ना है। देन अपने दोनों हैंड से ऐसे फास्ट करना है, ये और उसको हम टैपिंग भी कर सकते हैं कि हमारी जो लेग मसल है वो रिलैक्स रहे, आराम आराम, तेज नहीं मारना नहीं है अपने आप को, हल्का हल्का स्लो स्लो करना है कि हल्का हल्का रिलैक्स हो जाए। लास्ट हम ऐसे हमने हैंड्स रखने पीछे की तरफ, लेग्स ऊपर रहेंगी, देन शेक करना है ऐसे लेग्स को,
ठीक है, देन रिलैक्स। सो ये था आज हमारा हिप ओपनिंग का लाइव सेशन। होपफुली आप सभी ने एंजॉय करा होगा और आप सभी को समझ आ गया होगा। सो और वीडियोस देखने के लिए हमारे एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट को फॉलो करें, और जो आपको वीडियो पसंद आई है उसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपनी फैमिली के साथ। सो कल मिलेंगे इसी टाइम अगेन। थैंक यू, गुड मॉर्निंग।